विद पी। जब से हमने जेनेटिक्स शुरू करी है तब से हमने यही बात करी कि मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसने जेनेटिक्स में ऐसा क्या ही करा था जो उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। ठीक है, वो बात भी हमने हल्की तो डिस्कस कर ही ली थी कि उसने क्या था, उसने कंसेप्ट दिया था हेरिडिटरी का। किसके थ्रू दिया था? पी प्लांट के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट करे थे। तो मेंडल की जो स्टडी थी उसने बहुत बड़ा, मतलब जैसे इसने वर्ड यूज करा है, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल दिया था साइंटिफिक टेक्निक्स को। मतलब वहां से जो साइंस है, जो जेनेटिक्स है, वो स्टार्ट हुई थी। उसने एक रिसर्च मटेरियल चूज करा जो कि सुटेबल था। मतलब कि उसने, देखो, कोई भी प्लांट चूज कर सकता था। वो प्लांट तो इतने सारे थे, इतने सारी सब्जियों के पौधे थे, सॉरी, फ्रूट्स के पौधे थे, ठीक है, तो कोई भी ले सकता था। पर उसने पी प्लांट ही क्यों लिया? तो कुछ ना कुछ तो रीजंस रहे होंगे कि उसने ऐसा क्यों करा। तो उसने कुछ ऐसा रिसर्च मटेरियल सर्च करा, या यू कैन से चूज करा, जो कि प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी कैच करे उसने। ठीक है, उसने अपने जो एक्सपेरिमेंट था उसको बहुत केयरफुली डिजाइन करा। सारा का सारा जो डाटा था वो कलेक्ट करा। उसके अंदर उसने मैथमेटिकल एनालिसिस को यूज करा। मैथमेटिकल एनालिसिस भी आप देखोगे उसने रेशियो वगैरह यूज करी है। ठीक है, उसके बाद उसने अपना जो फाइनल रिजल्ट दिखाया, उसके अंदर उसकी जो हाइपोथेसिस थी उसको उसने एक्सप्लेन करा कि उसने ऐसा क्यों करा, ऐसा कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने जो पी प्लांट उसने चूज करा है वो क्यों करा, और कुछ भी तो हो सकता था। ठीक है, बिफोर मेंडल सेवरल इन्वेस्टिगेटर्स कैरिड आउट रिसर्च वर्क टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑन इनहेरिटेंस। ठीक है, कि मेंडल से पहले बहुत सारे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कोशिश कर चुके थे वो कि वो जो इनहेरिटेंस का फैक्टर है वो उसको ढूंढे कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों है कि हम पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, हमारे कैरेक्टर्स पेरेंट्स के साथ मैच होते हैं, ऐसा क्यों है। पर उसके बाद क्या हुआ, वो बहुत सारे जो रिसर्चर्स थे वो फेल हो गए। उनके पास कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकला क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे कि वो प्रॉपर स्टडी कर सके। तो जो गार्डन पी था जिसके ऊपर मेंडल ने काम किया था, उसके पास कुछ वो जो सुटेबल फीचर्स थे जो चाहिए थे वो उन्हें नहीं मिला, या उनके दिमाग में नहीं आया। ठीक है, तो मेंडल ने उसके बाद पी पे जो है एक्सपेरिमेंट शुरू करे। द फोरमोस्ट वर दीज प्लांट्स वर चीप। सबसे पहली बात क्या है, ये बहुत चीप था, सस्ता है, इजी टू ऑब्टेन है, लिटिल स्पेस रिक्वायर्ड, शॉर्टर जनरेशन टाइम है, प्रोड्यूस करता है बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को, और उसको बहुत इजीली क्रॉस करवाया जा सकता है। जो फ्लावर है पी के वो बाइसेक्सुअल है और यूजुअली सेल्फ फर्टिलाइज्ड है। दैट इज जो ओव्यूल है फीमेल गैमीट, ठीक है, वो फर्टिलाइज्ड होता है पोलन से। फ्रॉम द सेम फ्लावर एज बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर क्लोज इन द पेटल बॉक्स और कील। कहने का क्या ही मतलब है कि उसका जो फ्लावर है उसी के अंदर मेल जो है मेल पार्ट है वो भी प्रेजेंट है और फीमेल वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहीं पे उसके साथ वहीं पे पोलिनेशन होके वहीं पे वो आगे जनरेशन बना रहा था। पोलन फ्रॉम अनदर प्लांट कैन एक्सपेरिमेंटली इंट्रोड्यूस टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर टू ब्रिंग अबाउट क्रॉस पोलिनेशन। अब उसके बाद उन्होंने क्रॉस पोलिनेशन करवाने के लिए उन्होंने क्या करा, किसी एक फ्लावर के ऊपर से उसने एंथर को हटा दिया। ठीक है, उसने सिर्फ पिस्टिल को रखा और दूसरे फ्लावर के साथ उसका पोलिनेशन करवाया, क्रॉस पोलिनेशन करवाने के लिए। ठीक है, इसने जैसे ये डायग्राम दिखा रखा है, स्टिग्मा एंड स्टाइल शो कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे जो एंथर है इसके ऊपर पोलन्स भी दिखा रखे हैं इसने, यहाँ पे ये ओव्यूल है, ओवरी है। ठीक है, आई थिंक फ्लावर में तो किसी को कोई डाउट नहीं, वो तो रट रट रखा हुआ शुरू से बनाते हैं। क्रॉस पोलिनेशन कैन बी एनकरेज्ड एक्सपेरिमेंटली आइदर बाय रिमूविंग स्टेमेन फ्रॉम द फीमेल पेरेंट एंड प्लेसिंग पोलन फ्रॉम अनदर वेराइटी ऑन द स्टिग्मा ऑफ इट्स फ्लावर। ठीक है, अभी अभी जैसे मैंने बताया था कि मेल पार्ट को हटा दिया, फीमेल वाला उस फ्लावर के ऊपर ऐसा ही ऐसा रखा, दूसरा फ्लावर लिया, दूसरे वाले का जो मेल पार्ट है उसके साथ उसके जो पोलन्स हैं वो दूसरे फीमेल पार्ट के ऊपर उन्होंने पोलिनेट करवाई। ठीक है, इस तरह से जो क्रॉस पोलिनेशन करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसा भी करा जा सकता है कि किसी एक वाले का मेल पार्ट रख लो, दूसरे वाले के फीमेल पार्ट पे उसके जो पोलन्स हैं वो पहुंचा दो। ठीक है, तो इसी वजह से क्या था, जो क्रॉस
कॉमनली जो पी प्लांट था वो जेनेटिक्स के अंदर परफॉर्म करवाने के लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। ठीक है, आई थिंक सबको याद होंगे क्योंकि ये चीप है, सस्ता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं इसके अंदर, सबसे बड़ी बात। ठीक है, इसका जो जेनरेशन टाइम है वो बहुत कम है, जल्दी जल्दी ग्रो करता है। उसके बाद इसका जो जेनरेशन टाइम कम है और सॉरी क्या था ये, स्पेस कम लेता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट ही क्यों चूज करा, वो कुछ और भी कर सकता था, ये किसी और साइंटिस्ट के दिमाग में ये पहले नहीं आया। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ये इसने एक क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस दिखा रखा, जैसे कि इसके अंदर से इसने एंथर को रिमूव कर दिया। ठीक है, पर्पल वाले से इसने एंथर को रिमूव कर दिया, इसके अंदर सिर्फ फीमेल रख दी। ठीक है, अब व्हाइट वाले पे इसने मेल पार्ट रख दिया, यहां से इस मेल वाले पे इसने इसके ऊपर इसके जो पोलन है वो ट्रांसफर कर दिए, व्हाइट वाले के पर्पल के ऊपर ट्रांसफर करवा दिए। उसके बाद जो आया वो मेल पेरेंट था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या करा, इसके अंदर पर्पल वाले में सिर्फ मेल फ्लावर रखा, इधर वाले में इसने सिर्फ फीमेल फ्लावर रखा, और इसके जो पोलन थे वो व्हाइट वाले पे डलवा दिए। ठीक है, तो इस तरह से इसने क्रॉस पोलिनेशन करवाया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो जो पी प्लांट है वो वेरी करता है अलग अलग कैरेक्टर्स की फॉर्म में, जैसे कि मैंने बताया था कि जो मेंडल है उसने उसके 7 कैरेक्टर्स स्टडी करे थे। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म्स में वेरी करता है, जैसे कि उसकी प्लांट की हाइट, किसी की टोल है, किसी की शॉर्ट है। ठीक है, तो इस तरह से इसके दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ये हो गए। सीड का टेक्सचर, या तो वो राउंड है या वो रिंकल्ड है। ठीक है, जो कलर यूज करा गया है फ्लावर के लिए, फ्लावर का कलर इसके अंदर पर्पल या व्हाइट। ठीक है, तो इस तरह के जो वेरिएशंस थे वो जरूरी थे किसी भी चीज की इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए। अब मान लो अगर इसके पास अलग अलग वेरिएशन होते ही नहीं, अगर इसके सारे सारे फ्लावर जो है वो व्हाइट होते, तो हमें कैसे पता चलता कि उसके जनरेशन में जो आगे जो उसके जो उसके जो हमने ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो पैदा करवाए हैं, भाई उनके अंदर कौन सी जीन गई है, कौन से कलर की जीन गई है, डोमिनेंट थी या रिसेसिव थी, इन चीजों का तो पता ही नहीं चलता अगर ये वेरिएशंस नहीं होते। तो इसीलिए जो पी प्लांट को ज्यादा अच्छा माना गया है इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए उस टाइम पे जो मेंडल ने लिया। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मान लिया सारे पी प्लांट जो है वो सेम हाइट के होते हैं। ठीक है, और सेम फ्लावर का कलर होता, जनरेशन जनरेशन के बाद वही कलर आता रहता, तो इन्फॉर्मेशन जो थी वो कभी भी नहीं मिल पाती जेनेटिक्स को। तो उसके बाद जैसा कि हम जान चुके हैं कि उसने वो मटेरियल क्यों चूज करा, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा गया है। इसने कहा है कि इससे पहले कि हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को आगे जाएं, उससे पहले हम क्लियर कर लें कि जो पेरेंटल जनरेशन है उसे P1 जनरेशन कहते हैं, और जो प्रोजेनी जनरेशन है उसे फर्स्ट फिलायल जनरेशन कहते हैं, यानी कि F1। द सब्सटेंस जनरेशन प्रोड्यूस बाय ब्रीडिंग ऑफ F1 इज F2 जनरेशन। आगे उसके बाद जब सेल्फिंग करवाते रहेंगे तो F3, F4, F5 इस तरह की जनरेशन आती रहेंगी। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन पहले P1 है, फिर जो P1 थी इनको मिक्स करवाया, F1 आ गई, मैम वॉइस नहीं आ रही है, शायद म्यूट हो गई। ओके ओके ओके। एक्चुअली ये थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ गई है पेन टैब में भाई, इस वजह से ये ऑटोमेटिक चल जाता है कई बार। ठीक है, तो P1 जो है वो पेरेंटल जनरेशन है जिसकी क्रॉस करवा के हमने F1 बनाया है। अगर हम F1 की वापस से सेल्फिंग करवाएंगे, F1 की पोलिनेशन F1 वाले प्लांट के साथ ही करवाएंगे, तो F2 आएगी। ठीक है, उसके बाद F3, F4, जिस तरह से आगे जनरेशन क्रिएट करवाते जाएंगे। तो ये चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए आगे हम एक्सपेरिमेंट पे जाएं। अब उसके बाद मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था और उसके रिजल्ट क्या थे, मेंडल ने क्या करा, 7 कैरेक्टर्स लिए थे प्लांट के जिसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स थे, जैसे कि
एंड ड्वार्फ, रेड फ्लावर के सामने उसने रखा व्हाइट फ्लावर, येलो सीड के सामने उसने ग्रीन सीड रखा। तो उसके बाद उसने क्या करा, उसने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा जिसके अंदर सिर्फ एक पेयर उसने देखा, मतलब कि एक ही ट्रेट उसने उठाया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या करा था, मान लो अगर उसने क्रॉस करवाया प्लांट का, तो उसने सिर्फ एक ही कैरेक्टर देखा, उसने हाइट के बारे में ही देखा, क्रॉस करवा लिया, उसमें सिर्फ उसने देखा कि पहले वाले की हाइट टॉल थी, उनकी क्रॉस करवाए तो उन सबकी हाइट टॉल आ गई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो दूसरे वाले जो आए थे उनकी दोबारा से उन्हीं के साथ क्रॉस करवाई, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई चार में से तीन प्लांट तो टॉल आए हैं, ठीक है, और जो एक प्लांट है वो ड्वार्फ आया है, अब ऐसा क्यों? तो उसके बाद ही तो उसने रिजल्ट दिए ना, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या करा था, उसने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी करा था, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि मैंने ये आपको बता दिया है हाइट वाला, देखो जैसे कि उसने हाइट की कैरेक्टर ली, जैसे कि कुछ इसके ट्रेट्स दे रखे हैं, इसने हाइट ले लिया, सीड शेप ली, सीड कलर लिया, फ्लावर कलर लिया, तो ये इस तरह से इसने हाइट एक पौधा लिया जो टोल हाइट का था, दूसरा ड्वार्फ का ले लिया, जो एक सीड था वो राउंड था, दूसरा रिंकल्ड था कुछ इस तरह से, तीसरा जो कलर लिया इसने सीड का कलर ले लिया, ये येलो था, ये ग्रीन था, ठीक है। उसके बाद फ्लावर का कलर लिया, एक फ्लावर व्हाइट है, किसी पे फ्लावर रेड है, इस तरह से इन्हें अलग अलग कैरेक्टर्स उठाए। फिर उसके बाद कुछ कोई कुछ कह रहा था, आफ्टर दैट उसने देखा फ्लावर की पोजीशन, कि फ्लावर कौन सी पोजीशन पे है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो जो फ्लावर है वो प्लांट के साइड में आ रहा है, साइड वाली पोजीशन पे है, तो इसलिए इसे बोला एक्सियल पोजीशन। और यहाँ पे देखो जो फ्लावर है वो साइड में नहीं है, वो सबसे ऊपर वाले टॉप वाले एरिया के ऊपर है, इसलिए इसको बोला टर्मिनल पोजीशन। तो जो इसका एक कैरेक्टर ये था कि उसने फ्लावर की पोजीशन देखी कि फ्लावर या तो एक्सियल पोजीशन पे है या वो टर्मिनल पोजीशन पे है, ठीक है। उसके बाद उसने देखा पोड का कलर, कि पोड का कलर किसा है, ग्रीन है, येलो है, कैसा है। देन उसने देखी पोड की शेप कैसी है, एक तो कंसेंट्रिक है और एक इनफ्लेंटेड है, ठीक है। तो इस तरह से इसने सात कैरेक्टर्स देखे थे, सात कैरेक्टर्स की स्टडी करी थी। अब हम देखते हैं, मान लो टॉल प्लांट को, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है भाई, ठीक है, टॉल प्लांट की सेल्फ पोलिनेशन, मतलब ये तो जो सेल्फ पोलिनेटेड जनरेशन के लिए था, जो ये वाली लाइन ना भी ध्यान दो तो ठीक है, टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, ठीक है। उसके बाद इनकी जो आगे प्रोजेनी आई, आगे प्योर लिया क्योंकि टोल के साथ टोल की करवाई, तो उसके अंदर फिर से टोल ही आएगा, तो उसके अंदर टीटी आएगा, तो उसने प्योर टोल प्लांट लिया, प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया, उनकी ब्रीडिंग करवाई, तो उसके बाद सारे के सारे टोल प्लांट आए। अगर मैं इनको कोडिंग्स में लिखूं तो टोल प्लांट, ठीक है, ये तो टोल वाला है, ये ड्वार्फ वाला है, क्योंकि ये प्योर है, तो इसका मतलब क्या है, ये होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे दोनों के दोनों, ठीक है। इन दोनों की सेल्फिंग करवाई, एक टी इसमें से लो, एक टी इसमें से लो, टी, दूसरा वाला भी आ गया टी, ठीक है। इसी तरह से ये चार प्रोजेनी बनेंगी, टी एंड टी, ये सारे के सारे जो भी प्रोजेनी आई है वो हिट्रोजाइगोट्स है, ठीक है, सारे के सारे हिटेरोजाइगोट्स हैं, और जो हिटेरोजाइगोट्स हैं उसके अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है कैपिटल टी, और कैपिटल टी क्या डिनोट करता है, कि जो प्लांट होगा वो टोल होगा। इसका मतलब क्या था, जो पेरेंट्स की जो P1 जो प्रोजेनी थी, इनकी मिक्सिंग करवाने के बाद जो F1 हमें मिली वो सारी की सारी टोल थी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस मैम। मैम, ठीक है। तो देखो यहाँ तक, अभी यहाँ तक देखा हमने सारे के सारे टोल प्लांट आए थे, अब इसने क्या करा, जो F1 वाली थी टी टी और टी टी ये आया था हमारे पास, इसकी दोनों की इन्हीं की सेल्फिंग करवा दी इन्होंने। अब उसके बाद क्या हुआ, तीन जो प्लांट आए टोल और एक आया ड्वार्फ, एक छोटा वाला आया, तीन टोल आए, क्यों? देखो टी 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 टी, अब इनमें से इसने जब इसकी क्रॉसिंग करवाई तो कुछ इस तरह के रिजल्ट्स रहे होंगे इसके, एम आई राइट? यस मैम। ये समझ में आ गया ना, ये चारों कैसे आए हैं, हाँ जी मैम। ठीक है। तो इनमें से अगर हम देखें
तो ये वाला तो है, इसके अंदर दोनों कैपिटल टी है तो ये तो डोमिनेंट है, तो वैसे ही टोल आएगा। और अगर इन दोनों में देखे तो इन दोनों में क्या है, ये हिटरोजाइगोट है, लेकिन इसके अंदर जो कैपिटल टी है वो प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, वो टोल टोल प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये दोनों भी टोल हो गए। सिर्फ ये एक था जिसके अंदर दोनों में स्मॉल टी थे, इसलिए इसने ड्वार्फ प्लांट बनाया। तो किस तरह से, इस तरह से क्या होगा, तीन जो टोल आए हैं और एक जो था वो ड्वार्फ प्लांट आया है। ठीक है, क्लियर है ये? तो हाँ ये था, ये जो है वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसके अंदर इसने सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया था। कैरेक्टर सिर्फ टोल या ड्वार्फ नहीं हो सकता, आप किसी और कैरेक्टर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, फ्लावर के कलर का एग्जाम्पल ले सकते हो, या फ्लावर की पोजीशन का, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड कलर, शीट शेप, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। सात, जो सात इसके कैरेक्टर्स इसने स्टडी करे थे, उन सातों में से कोई भी एग्जाम्पल लेके मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना सकते हो, या आपसे पूछा जा सकता है। अब उसके बाद जब वो क्रॉस हुआ तो वो प्योर लाइन उसने बनाई। प्योर लाइन बनाने का मतलब क्या है कि मान लो उसने एक प्लांट लिया है, ठीक है, अब वो प्लांट टोल है, दिखने में तो वो टोल है, लेकिन टोल दो टाइप के हो सकते हैं ना, है ना, इस तरह से हो सकते हैं, या तो वो टीटी हो, दोनों उसकी एलील दोनों डोमिनेंट हो, या फिर एक डोमिनेंट है एक होम एक रिसेसिव है, तो भी वो टोल बनेगा और ये भी टोल बनेगा। अब हमें कैसे पता कि वो कैसे है? प्योर का मतलब ये वाला है, ये प्योर टोल का मतलब ये वाला है कि दोनों जो एलील हैं वो कैपिटल टी होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए उन्होंने क्या करा, उसने दोनों प्लांट, दो प्लांट ले लिए टोल, ठीक है, उसके बाद उनकी करवाई, उसने क्रॉसिंग करवा दी, उसके बाद जो भी उनका रिजल्ट आया होगा टोल वालों का, उसके बाद फिर से उनकी क्रॉसिंग करवा दी। इस तरह से उसने प्योर लाइंस बनाई, और फिर उन प्योर लाइन की, जो ड्वार्फ वाले की जो प्योर लाइन थी, उनके साथ उसने क्रॉसिंग करवाई, और फर्दर जो F2 जनरेशन में उसे जो रिजल्ट मिला वो था 3:1, जिसमें 3 जो है वो टोल प्लांट है और जो 1 है वो ड्वार्फ वाला प्लांट है। ठीक है, ये समझ में आया? यस मैम, बता दो। ओके निशा, तो इस तरह से मतलब उसने क्वांटिटीज यूज करके मेंडल ने अलग अलग जो उसके 6 ट्रेट्स थे उसके साथ भी उसने सेम एक्सपेरिमेंट करे, और उसको सेम ही रिजल्ट मिले, 3:1 वाले, ठीक है। तो उसके ये कुछ उसने रिजल्ट्स दिखा रखे हैं जो उसको मिले थे। वैसे ये कुछ ज्यादा तुमसे पूछे भी नहीं जाएंगे, ये पूरी की पूरी कंटेंट, ये टेबल रटने की भी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मेंडल ने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी तक उसने क्या है, हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, अब उसके बाद उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहा इसको? जो मेंडल का क्वेश्चन था कि किस तरह से जो ट्रेट हैं वो P1 जनरेशन में डिसअपियर हो जाते हैं, और उसके बाद मतलब जो P1 जनरेशन के अंदर तो है ही नहीं, जैसे टोल प्लांट था, जो ड्वार्फ वाला प्लांट था, या फिर यू कैन से टोल वाला प्लांट था, ड्वार्फ छोड़ो, जो टोल प्लांट था वो कुछ इस तरह का था, ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ टोल दिख रहा था, लेकिन जब इसकी क्रॉसिंग करवाई गई तो इसमें से एक जो प्लांट निकला वो ड्वार्फ बन गया। तो वो कैसे हुआ, तो इसका मतलब कि जो P1 जनरेशन थी उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो डिसअपियर थे, और जैसे ही उनकी क्रॉसिंग करवाई गई तो वो F1 या F1 नहीं F2 के अंदर कुछ जो कैरेक्टर्स आए हैं वो सामने आए हैं। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं मैम, और एक नहीं समझ में आया निशा? मैम, देखो, जैसे हमने शुरू में इसमें लिया था, इसमें देखो यहाँ पे हमने एक टोल प्लांट लिया है, एक ड्वार्फ प्लांट लिया है, ठीक है, इन दोनों की हमने करवाई है क्रॉसिंग। अब यहाँ पे जो हमें मिले वो सारे के सारे टोल प्लांट थे, तो ड्वार्फ वाला जो प्लांट का जो कैरेक्टर था वो कहाँ चला गया, गायब हो गया ना वो तो F1 में। जी मैम, तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि P1 जो जनरेशन है उसके कुछ कैरेक्टर्स F1 में आके डिसअपियर हो गए, और जब इन F1 वाले प्लांट्स की हमने दोबारा से जब हमने सेल्फिंग करवाई, यहाँ पे जब हमने सेल्फिंग करवाई तो वो वापस से अपियर हुए यहाँ पे आके F2 वाली जनरेशन में आके।
एक ड्वार्फ प्लांट आया ना, जबकि इससे पहले वाले जो प्लांट थे उनमें एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, हाँ जी मैम। ठीक है? तो भाई ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला अच्छे से पढ़ लेना, ये वाला मैं आपको कल करवा दूंगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो वो मुझे बताओ। नहीं मैम। ओके अंबिका, आपको समझ में आ रहा है? कुछ तो रिस्पॉन्स दे दो भाई, इतना भी क्या शर्माना, या आज भी आउट ऑफ स्टेशन हो? मैम फाइल संडे में सबमिट कर सकते हैं। देखो भाई, इसके बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं, ये तो मैं पूछ के ही बता सकती हूँ कि संडे में सबमिट कर सकते हैं या नहीं। अनीशा, तुम लोगों ने करवा दी क्या? नहीं मैम, मैं तो संडे ही सबमिट करूंगी। संडे बताओ लास्ट डेट। बताओ भाई, उनको वो पूछ रहे हैं सवाल, अगर आपको आंसर पता है तो। जी मैम। हाँ, उनकी सवाल मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, हाँ, थोड़ी तो उन्होंने और उन्होंने एक बार बोलने के लिए कोई। उन्होंने यही पूछा कि क्या जो फाइल है वो संडे को सबमिट कर सकते हैं। हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो 30 अप्रैल के तक वो तो लास्ट डेट थी। उसके बाद और एक्सटेंड होगा कि नहीं, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसीलिए हम लोग तो संडे ही सबमिट करेंगे। ओके तो रंजू जी, आप भी संडे को ही सबमिट कर दीजिएगा। ओके। ओके।